Another review. Welcome back. Close your eyes. इस बाइक के लिए बताने के लिए मेरे को ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से 80-90% को पता होगा कि Z900 इज़ द बेस्ट नेकेड बाइक आप पा सकते हैं बहुत 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 रीज़नेबल प्राइस पे। अभी के लिए इसका एक्स शोरूम प्राइस चल रहा है 9,11,000। तो आते हैं सीधा इसके स्पेक्स पे। और 2023 का मॉडल जो है हमारा, ये आगे से इसकी हेडलाइट्स थोड़ी सी चेंज है प्रीवियस मॉडल्स के मुकाबले, और बहुत बहुत सुंदर से आगे से DRL आपको देखने को मिल जाएंगे इस वाले वर्जन में। और बहुत सुंदर सी इसकी आगे यहाँ पे डिस्प्ले दे रखी है, एंड उसमें जो मोड्स हैं यहाँ पे काफ़ी सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा आपको, जिससे कि आपकी व्हीली अगेन पॉपअप नहीं होगी। और Z900 इज़ अ व्हीली, यू नो, इसको व्हीली बीस्ट कहा जाता है क्योंकि सबसे इजीली इसमें व्हीली पॉप होती है, क्योंकि इसका फ्रंट एंड बहुत ज़्यादा लाइट है एज़ कम्पेयर टू Z1000 एंड इसके कम सीसी वाला Z800, जिसका रिव्यू मैंने पहले किया था। तो आ जाता हूँ मैं अब इसके फ्रंट एंड पे, जहाँ पर आपको 120 सेक्शन का टायर मिल जाएगा और बैक एंड पे आपको मिल जाएगा 180 सेक्शन का टायर। नॉर्मली सुपर बाइक्स में 180, 190 एंड 200 सेक्शन का टायर होता है। नॉर्मली आपका 180 एंड 190 बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें आपको ब्रेक्स मिल जाएंगे निफिन के, और बहुत ही प्यारे ब्रेक्स हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं लैग करेंगे आपको जब आप 250 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे आप जा रहे होंगे। यस, ये आपको कॉन्फिडेंस देंगे, आपकी ब्रेक अच्छे से यूज़ कर सकते हैं आप। और बहुत ही यू नो, पर्सनली मेरे को इसका जो आगे से ये टैंक है, ये जो यहाँ पे फाइबर दे रखा है, यहाँ पे प्लास्टिक दे, इसका जो टैंक है इसकी शेप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा यू नो, इसका जो पॉपअप हो रखा है ये वाला टैंक वाला, ये जो पार्ट है बहुत सुंदर दे रखा है, बहुत ज़्यादा। तो आते हैं हम इसके थोड़ा सीट हाइट के ऊपर। हाँ, ये शॉर्ट राइडर्स के लिए इतनी सही नहीं है, बट इफ़ यू आर यू नो 5'8", 5'9", 5'10, आप और अगर आप अच्छे राइडर हैं देन यू कैन राइड। इसकी सीट हाइट आती है आपकी 795 से 820 mm के आसपास, जो कि ठीक ठाक है। और रही बात इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, वो भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको एज़ कम्पेयर टू आपकी जो दूसरी सुपर बाइक्स आती हैं, काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है इसका। अब आते हैं इसके एग्जॉस्ट पे। पर्सनली यू नो, सुपर बाइक्स के जो एग्जॉस्ट होते हैं, जो उनके स्टॉक एग्जॉस्ट होते हैं, वो कोई भी रखता नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। ऑफकोर्स लोग जाते हैं एरो की ओर, एससी प्रोजेक्ट्स की ओर, जो कि आपके पूरे टाइटेनियम के होते हैं, और कोई कोई लोग जाते हैं फुल सिस्टम टाइटेनियम एग्जॉस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा होता है। बट अगेन, शौक बड़ी चीज़ है। और रही बात इसके रियर व्यू मिरर्स की, ये भी टिकते नहीं हैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्टर्डी है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। बट अगेन, अगर एक राइडर, अगर एक बाइक एंथुजियास्ट ये चीज़ ले रहा है, ऐसी कोई बीस्ट मशीन ले रहा है, तो उस पर ऐसा लुक नहीं रखना चाहता, वो सीधा आ जाएगा अपने बार एंड मिरर्स पे, या फिर कोई और तरीके के रियर व्यू मिरर्स पे। और जैसा कि आप फ्रंट में देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर LED ऑल LED सेटअप दे रखा है यहाँ पे फ्रंट एंड बैक पे, बहुत ज़्यादा सुंदर है। आ जाते हैं हम इसकी HP पे, और इसमें टॉर्क कितना है, तो इसमें आपको मिल जाएगी 125 HP। यस, 125 HP अंडर 10 lakhs आपको मिल सकती है, और अराउंड 10 lakhs आपको मिल सकती है। और इसमें टॉर्क आपका आएगा 73.1 Nm का टॉर्क एट 9,500 RPM। सो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इसमें आपको निफिन के ब्रेक्स प्रोवाइड होते हैं, और आपके जो आपके ब्रेक लीवर और क्लच लीवर है, वो भी आपके फुली एडजस्टेबल है। मतलब यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने क्लच को और ब्रेक को। तो एक बार इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं कावासाकी। यहाँ पे आपको नॉर्मल आपका रेव लिमिटर दिख जाएगा आपका 12,000 तक का, न्यूट्रल दिख जाएगा, गियर इंडिकेशन हो जाएगी आपका, ABS ऑन ऑफ हो जाएगा, और यहाँ पे आपके सारे टेम्परेचर वगैरह दिख जाएगा आपको बाइक का, और ट्रिप वगैरह का, यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड भी दिख जाएगी। इसको स्टार्ट करते हैं इसके बाद। सो करते हैं इसे स्टार्ट। पहले इसको थोड़ा नॉर्मल होने देते हैं इसके रेव को। सीधा रेव हम सीधा डायरेक्टली रेव नहीं कर सकते, तो थोड़ा वेट करते हैं इसके लिए, नॉर्मल हो जाए एक बार इसका। हमेशा गाड़ी जो स्टार्ट करते हैं, कभी भी ऐसे डायरेक्टली स्टार्ट होते ही रेव नहीं देना चाहिए, स्पेशली इन बाइकों में और किसी भी बाइकों में यार, स्टार्ट करते ही सीधा चलाना नहीं चाहिए, थोड़ा इंजन में ऑयल जाने दो। और अब हम स्टार्ट करते हैं एक बार, थोड़ा सा एक बार मैं इसको 3000 पे देता हूँ।
यहाँ पर 3000 था, अब थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो जैसे कि आपने अभी इसके एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनी है, स्टॉक एग्जॉस्ट था, नो डाउट बहुत प्यारी आवाज़ है क्योंकि इनलाइन फोर आपको मिल रहा है। बट अगेन इफ़ यू आर अ बाइक एंथुजियास्ट आप इस पर नहीं टिकेंगे, यू हैव टू गो विद एससी प्रोजेक्ट, एरो एंड मेनी अदर ऑप्शंस। सो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट रिव्यू में किसी नेक्स्ट सुपर बाइक के साथ। ओके, टाटा बाय।